वेलकम बैक टू माय चैनल बिजू का पाठशाला। मैं नितिन आज आपको बिजू का पाठशाला के कोर्स आउटलाइन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको हमारे बाकी के वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिजू का पाठशाला के कोर्स आउटलाइन क्या क्या है। बिजू का पाठशाला में हम एक्चुअली आपको वर्कशॉप, इंटर्नशिप और क्रैश कोर्सेस कराते हैं। वर्कशॉप हमने 2 दिन का रखा है, इंटर्नशिप्स फिलहाल अभी हम आपको 2 मंथ्स के लिए प्लान कर रहे हैं। क्रैश कोर्सेस हमने 2 तरह का रखा है, एक 3 मंथ्स का रखा है और एक 6 मंथ का रखा है। और इन तीनों के प्रोग्राम्स को हमने कुछ इस तरीके से 3 कोर्स में डिवाइड किया है। एक हमने डिवाइड किया फैशन रिलेटेड, दूसरा हमने रिलेटेड किया है आर्ट रिलेटेड, तीसरा हमने डिवाइड किया है क्राफ्ट रिलेटेड। तो फैशन, आर्ट और क्राफ्ट, इन तीनों को हमने वर्कशॉप, इंटर्नशिप और क्रैश कोर्सेस में डिवाइड किया है। तो इनके प्रोग्राम्स स्टार्ट में करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि किस किस तरीके से हमने प्लान किया है, ठीक है। तो उससे स्टार्ट करने से पहले एक चीज के बारे में और एक आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बिजुका पाठशाला के अंदर में हम बहुत बड़े ग्राउंड पर आपको निफ्ट और NID के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, चाहे वो GAT का हो, चाहे वो CAT का हो, सिचुएशन टेस्ट हो या स्टूडियो टेस्ट हो, इन सब चीज की तैयारी हम करवाते हैं। साथ ही साथ इंटरव्यू, GD, ये सारी चीज हम प्लान करते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने कोर्स और वर्कशॉप और इंटर्नशिप के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया फैशन, क्राफ्ट और आर्ट्स रिलेटेड है। तो फैशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने एक सब्जेक्ट उसके अंदर रखा है जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, दैट इज अ डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस के अंदर हमने पूरी तरीके से चैनल को प्लान किया है, जितने भी तरीके से प्रोसेस से वो एक प्रोडक्ट का जो इनोवेशन होता है और टिल एंड वो कंप्लीट होता है, हमने उस चीज के लिए उस सब्जेक्ट को प्लान किया है। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो गारमेंट हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, इंटीरियर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको आर्ट से रिलेटेड। आर्ट से रिलेटेड हमने क्या प्लान किया है आपको कि पेंटिंग रिलेटेड कोर्सेस हमने इसके अंदर रखा है, स्केचेस रखे हैं, स्टिल लाइफ रखा है, साथ ही साथ हमने पेंसिल कलर रखा है, वाटर कलर रखा है, ऑयल कलर रखा है और ऑयल पेस्टल और ड्राई पेस्टल को भी हमने इन्वॉल्व किया है। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हम यहाँ पर बिजुका पाठशाला के अंदर में चारकोल का उपयोग करते हैं, जो हम ऐसे अपने ऑर्गेनिक कह सकते हैं आप, जिस मीडियम को हम यूज़ करते हैं, और वो काफ़ी हमारा स्ट्रांग पॉइंट भी रहा है आज तक। अब हम बात करते हैं क्राफ्ट सेक्टर के लिए। क्राफ्ट सेक्टर के जो कोर्सेज भी हमने रखे हैं, जिसमें वर्कशॉप, इंटर्नशिप और क्रैश कोर्सेस इन्वॉल्व है। क्राफ्ट के अंदर में फिलहाल अभी हमने कुछ मटेरियल्स को प्लान किया है, जैसे आप कह सकते हैं कि हमने 3 कैटेगरी में इसे डिवाइड किया है क्राफ्ट को। एक है आउट ऑफ द वेस्ट, दूसरा है आपको सस्टेनेबल और तीसरा है ऑर्गेनिक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी के जो फिलहाल प्रोडक्ट अभी हमने इन्वॉल्व किए हैं और जो क्लासेस अभी हम रन कर रहे हैं, दैट इज इन कोकोनट शेल, कोकोनट लीफ, बनाना लीफ, और इसके साथ ही साथ पेपर वर्क पे भी हमने फोकस किया है काफी उसमें प्लान करके। और आउट ऑफ द लाइक वेस्ट अगर हम प्लान कर रहे हैं तो वेस्ट बॉटल्स हो गए, वेस्ट कैप हो गए, मेटल के कैप्स हो गए, ये सारी चीज़ हमने यूज़ किया है। और हमने 2 चीज़ का और प्लान किया है यहाँ पर, मास्क मेकिंग और मोल्ड मेकिंग। मास्क मेकिंग और मोल्ड मेकिंग में हमने 2 मटेरियल को लिया है। पहला मटेरियल है हमारे पास पेपर मैश और दूसरा है POP बैंडेज। इन चीज़ों से हमने प्लान किया है कि हम अपने क्राफ्ट सेक्टर को ऊपर लेके आएंगे, और भी हम डिफरेंट मटेरियल्स इसमें एड ऑन जल्दी ही करेंगे।
तो हमने अभी आपको कंप्लीट सिनेरियो बताया कि बिजू का पाठशाला के कोर्स आउटलाइन कुछ इस तरह से है। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।